गुड मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग तो नहीं है सॉरी गाइज गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप तो आप लोग व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आए थे इंटीग्रल में फेस्ट में, यहाँ मोहम्मद भाई ने अपना लगाया हुआ स्टॉल रेड बॉक्स। तो अब चलते हैं, आपसे अंदर चल के मिलते हैं। ये है हमारे मोहम्मद भाई का द रेड बॉक्स। क्या ऑफर चल रहा है? क्या ऑफर चल रहा है? एक मिनट तलाक फोन करा। हेलो एवरीवन, रेड बॉक्स का जो पिज्जा है इट इज रियली फैबुलस, इट्स वेरी गुड। इनके इंग्रेडिएंट भी फ्रेश है, इनकी ब्रेड जो बेक्ड है वो भी बहुत अच्छी है, और खास तौर पे इनकी टॉपिंग जो है वो चीज से बस्टिंग है, वेरी नाइस। आई गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस। थैंक यू। क्या ऑफर है आपके पास? ऑफर हमारे लिए 69 का चल रहा है। हाँ। सिंगल टॉपिंग। हाँ। 69 में भी हमारे यहाँ मिल्क शेक चल रहा है। ठीक है। भाई ये है द रेड बॉक्स, जो भी मोहम्मद भाई का हमारे न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं डाइन आउट है, तो उसका जो कि आज यहाँ लगा हुआ है स्टॉल, ऑफर जो है 69 में पिज्ज़ा वगैरह इंटीग्रल के लगे हुए हैं। यहाँ चल रहा है फिश का, ये हमारे भाई इंटीग्रल के हैं। बताइए भाई, आइए भाई, आप लोग आइए जरूर। हमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि दिल के मरीज बन जाइए, हम चले गए थे उधर। द रेड बॉक्स आ चुका है आपके इंटीग्रल, और ये हम दो दिन और रहेंगे। जब ये व्लॉग आएगा तो एक ही दिन बचा होगा, मेरे ख्याल से कल अपलोड करेंगे ना, तो एक दिन बचा होगा। तो आप इंटीग्रल आइए, द रेड बॉक्स के इतने सारे ऑफर्स हैं, कोई भी अवेल करिए। 69 में शेक और 69 में पिज्ज़ा भी, कपल कॉम्बो भी है। कल जब आप आएंगे तो हार्ट शेप पिज्ज़ा भी मिलेगा आपको, भीड़ कुछ ज्यादा ही हमें दिख रही है इंटीग्रल के फेस्ट में। आज सिक्योरिटी भी कुछ ज्यादा ही टाइट, हम लोग की तो एंट्री हो गई क्योंकि रेड बॉक्स का पास था। बाकी आप पार्टी दे रहे हो तो अब जैसा है भाई, इधर क्यों जाएंगे? चलो बोल तो रहा हूँ, आओ दे रहा हूँ। हम हस्त समय सीना लिए लिए सहबाए हरम शाही की तरह को सारों पर रखने हमने शाही करम आदोश हिमारा में हमसे खाए है अजल से यह किस चीज़ से बचने का यूनिवर्सल तरीका? भाई ले चलिए, लोगों को बुला के लाइए रेड बॉक्स पे,
जबरदस्ती आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं उस्मान भाई, आप क्या बना रहे हैं? तेज बोलो तो बनाओ जल्दी। बन गया पटाखा? जाने दो, मत बनाओ, कैंसिल। तो अब हम लोग इंटीग्रल से निकल चुके हैं, फेस्टा अटेंड करके मोहम्मद भाई के स्टॉल पे थे, कहीं ज़्यादा घूमा फिरा तो नहीं गया, पर मोहम्मद भाई जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हुआ, रिस्पांस वहाँ अच्छा था मोहम्मद भाई के स्टॉल का। तो अब हम लोग वहाँ से इंजॉयमेंट थोड़ा बहुत किया गया, कुछ दोस्त वहाँ मिले, तो अब हम लोग जा रहे हैं इंटीग्रल से वापस घर, भूखे पेट जा रहे घर। तो वहाँ पे आज आप इधर से जो दावत है उसका भी तो इंजॉयमेंट लेना है ना भाई। देखिए जितनी अच्छी भूख रहेगी उतना अच्छे से खाने में आएगा, उतनी अच्छी पार्टी लगेगी, उतनी अच्छी भूख लगेगी, उतना अच्छा पार्टी, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भूख ज्यादा अच्छी हो तो ज्यादा लगे तो भूख खाना अच्छा लगता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, वहाँ आप चलते हैं कुछ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को होटल का खाना थोड़ा सा कम पसंद आता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर, ये सिक्योरिटी के साथ हमें करानी है फ्यूलिंग, आगे जो पुलिस की। मटर पुलाव और चिकन बन रहा था क्योंकि रैयान भाई का बर्थडे है, तो दोस्त लोग आए हुए थे तो खाना बन रहा है, जो चिकन तो हो गया, मटर पुलाव थोड़ा सा बचा है। ये देखिए इस सब को, ये सालन पी रहा है, चिकन देखिए सालन पी रहा है, बताइए इसको, इसको कोई काम नहीं रह गया है। तो अभी देखिए चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, मटर पुलाव हमारा हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो जैसा होता है हम आपसे आगे ब्लॉग में मिलते हैं।